आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्व त्वरण वर्गमूल 6/11 जी है, जहाँ जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण है। ग्रह का औसत द्रव्यमान घनत्व पृथ्वी के द्रव्यमान घनत्व का 2/3 गुना है। यदि पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ली जाती है, तब ग्रह की सतह पर कितने किलोमीटर प्रति सेकंड में पलायन चाल होगी? तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि हम जानते हैं जो पलायन चाल होती है उसका सूत्र होता है वी बराबर वर्गमूल 2gr। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इस सूत्र में देख सकते हैं कि किसी ग्रह के लिए मान लेते हैं जो पलायन चाल है वह वी डैश है और पृथ्वी पर पलायन चाल वी है, तब इन दोनों का अनुपात कुछ इस प्रकार से होगा 2gr। यह डैश जो है आप ग्रह के लिए लगाते हैं और जो आपका ऐसा ही है वह पृथ्वी के लिए है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल जी डैश बटा जी आर डैश बटा आर। अब हम यहाँ से आर डैश बटा आर का मान प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जी का मान होता है जी एम बटा आर की घात 2 के बराबर, और यहाँ पर m द्रव्यमान है जिसको हम घनत्व हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो यह हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3 व घनत्व। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि इसको इससे काट देंगे तो यह पृथ्वी के लिए g का मान होगा g, और ये 4/3 जी पाई आर व रो, यह तो वह पृथ्वी के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी के लिए। अब हम ग्रह के लिए निकालते हैं तो ग्रह के लिए मान होगा जी डैश बराबर 4/3 जी पाई आर डैश रो डैश। मान लेते हैं यहाँ समीकरण का नाम दे देते हैं, ये सब समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 को भाग कर देते हैं समीकरण 2 से, तो हमें प्राप्त होता है जी डैश बटा जी बराबर, जब इसको भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, इससे ये कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा और यह बचेगा रो डैश बटा रो गुणा आर डैश बटा आर। तब जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया था कि जो जेड जी डैश है वह जी डैश दिया गया है वर्गमूल 6/11 जी के, तो जी को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसी प्रकार से जो घनत्व दिया गया है वह दिया गया है रो डैश बटा रो, वह 2/3 के बराबर है। इस मान को हम यहाँ समीकरण में रखेंगे जी डैश बटा जी, जैसा कि हम पीछे भी देखा है तो यह वर्गमूल 6/11 के बराबर है और रो डैश बटा रो 2/3 के बराबर है। यहाँ से आर डैश बटा आर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, आर डैश बटा आर का मान होगा 3 वर्गमूल 6/22 के बराबर। जैसा कि समीकरण 1 से अब हम मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने प्राप्त किया था v डैश बटा v जिसका मान था वर्गमूल, यदि हम देखें तो यह था g डैश बटा g, g डैश बटा g गुणा r डैश बटा r। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं जैसा कि g डैश बटा g का मान है वर्गमूल 6/11 और r डैश का मान है r डैश बटा r का 3 वर्गमूल 6 बटा
22, इसको हल करते हैं तो v डैश बटा v बराबर होगा, यहाँ वर्गमूल में बचेगा, 3 × 6/11 × 22, तो इसको काटेंगे 2 × 3 = 6 और ये 11 बार जाएगा, हल करने पर हमें मिलेगा 3/11, और जैसा कि v डैश बराबर होगा 3/11 × ये भी, इस v का मान दिया गया है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 11 से 11 कटेगा, मान आएगा 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, उस ग्रह पर पलायन चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।